श्री राम समर्थ अप्रैल 2। सत्संगति के दो प्रकार। सत्संगति अनमोल काम करने वाली है। संतों की संगति दो प्रकार से हो सकती है, एक प्रकार संतों के सहवास की संगति और दूसरी है उन्होंने सत्संगति के लिए जो साधन बताए हैं उनके द्वारा प्राप्त करने की। इनमें से पहले प्रकार की संगति का लाभ होना अति दुर्लभ, क्योंकि संत सच्चा होने पर भी उसे पहचानना बड़ा मुश्किल है और कई बार उसके बाह्य व्यवहारों से मन में विकल्प निर्माण होने की संभावना बहुत होती है। इस पर भी किसी ठग से साठ गांठ पड़ गई तो उसकी संगति से नुकसान होगा ही। अतः पहला मार्ग अर्थात संत के समीपता का मार्ग प्रायः धोखा देने वाला हो सकता है। दूसरे मार्ग से जाने में अर्थात जो साधन बताया उसे करने में कोई धोखा नहीं होता, क्योंकि सच्चा संत या ढोंगी साधु कोई भी हो उसे जब दूसरे से कुछ कहना पड़ेगा तब वह सच्चा और जो सही है वही कहेगा। शुद्ध भावना से साधन करने से सत्संगति का लाभ होगा और उसे सफलता मिलेगी। सच्चे संत के समीपता का यदि भाग्य से लाभ हुआ तो सफलता सहज प्राप्त होती है। जिस सवारी को हम स्वीकार करते हैं, जिस सवारी में हम बैठते हैं, उस सवारी की गति हमें प्राप्त होती है। सिर्फ उस सवारी में निश्चल बैठे रहना ही अपना काम होता है। उसी प्रकार हमें सच्चे संत के पास निश्चल बैठे रहना चाहिए। संत के संगति में अपनी कोई कृति नहीं होती, केवल अस्तित्व होता है। इसके कारण अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं होती और वासनाओं का क्षय होने में बड़ी सहायता मिलती है। संत तुकाराम महाराज ने भगवान के पास धन संपदा नहीं मांगी, उन्होंने मुक्ति भी नहीं मांगी। हे भगवान, केवल सत्संगति ही दे, ऐसा कहा। सत्संग से नामस्मरण करने की बुद्धि होती है। बुद्धि की स्थिरता केवल नामस्मरण से ही संभव है। नामस्मरण की विशेषता यह है कि जो आवश्यक हो वही रख लेता है और शेष नष्ट कर डालता है, किंतु पूरी श्रद्धा से नामस्मरण करना चाहिए। नामस्मरण करते करते बुद्धि स्थिर होती है, तब मन में कोई विकल्प निर्माण नहीं होता। संतों की समीपता का असली लाभ ले सकते हैं। सत्संगति से बिना परिश्रम से ईश्वर प्राप्ति होती है। सत्संगति से साधना अपने आप होती है। संतों के पूजन के साथ पूजन, भजन के साथ भजन, श्रवण के साथ श्रवण, कारण अपनी निजी विस्मृति होती है और नामस्मरण होता है। इसलिए कठोर प्रयास से सत्संगति करें। बीच में प्रारब्ध की बाधा खड़ी न करे। सत्संगति में रहकर यदि नामस्मरण किया तो देह बुद्धि की श्रृंखलाओं से मुक्त हो सकते हैं। आज का मुख्य विचार, संतों को जो पसंद है वही हमें भी पसंद आने को उसका समागम कहते हैं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.